क्या लड़कियों को अपना शौक पूरा करने का कोई हक नहीं होता? हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल लिटिल वर्ल्ड ऑफ ललिता। कैसे हो आप सब? होप यू गाइस आर वेल एज लाइक मी। आप सभी को मेरे तरफ से बहुत ही प्यारा सा गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे एंड बारिश का मज़ा ले रहे होंगे एंड होप सभी जगह पर अभी बारिश चालू हो गई होगी। तो देखो, सुबह सुबह आ गई हूँ मैं अपना बेड ठीक करने। मेरी सुबह बहुत पहले ही हो चुकी थी। फ्रेश होके चाय बना के सबको देने के बाद फिर आई हूँ अपने रूम पे। एंड दो दिन हो चुके हैं मैं मायके से आ गई हूँ घर। मेरे पति लेने के लिए गए थे मुझे, तो घर आने के बाद मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। बहुत दिनों बाद इतना टाइम उनके साथ स्पेंड हुआ है तो उनकी याद कुछ ज़्यादा ही खल रही थी। एंड इस बार आने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मम्मी के पास ही रुक जाओ, पर क्या करूँ, आना तो है। अभी लड़कियों का घर नहीं होता है बोलते हैं। 20-25 साल अपने मायके वालों के साथ रहने के बाद फिर पूरी ज़िंदगी अपने ससुराल वालों के साथ रहना है, तो इसीलिए मन को समझा के सब कुछ एक करके आ गई हूँ अपने घर अपने पति के साथ। सो यहाँ पे वो कुछ काम कर रहे थे एंड मैं उनसे बातें कर रही थी, साथ में बादाम भी खा रही थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए 3 बादाम भिगो के रखे थे रात में। बादाम खा के आज के दिन का शुरुआत हुआ है। होप आज का दिन बहुत ही अच्छा जाएगा एंड मैं डेली यही प्रे करती हूँ कि सभी का हर एक दिन सबसे अच्छा जाए। मतलब आज बेहतर होगा तो कल भी बेहतर होगा। सब मैक्सिमम लोगों को लगता है कि जो ब्लॉगिंग करते हैं, जो वीडियो शूट करते हैं, उनको कोई काम नहीं रहता। सो उनके लिए ये बताना चाहती हूँ कि सभी को अपने घर में काम रहता है। हम पूरा काम करने के बाद जो है, जब सभी रेस्ट करते हैं, हम वो टाइम भी काम करते हैं। मतलब ब्लॉगिंग कोई इजी चीज़ नहीं है एंड हर किसी के बस की बात भी नहीं है। होप आप लोग अंडरस्टैंड करोगे मेरी बात को। सभी को लगता है कि मतलब मेरे बारे में जितना बोल सकती हूँ मैं उतना ही बोलूँगी कि ऐसा लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूँ, काम नहीं करती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे पूरा घर का काम करके उसके बाद जो है टाइम मिलता है, तब टाइम मिलता भी नहीं है, मैं टाइम निकाल के वीडियो बनाती हूँ। जब बाकी के लोग काम करके रेस्ट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे मैं अपना वीडियो का काम, जो मेरा शौक है, वो कंप्लीट करती हूँ। तो जिन लोगों को मतलब ये गलतफहमी है कि हम काम नहीं करते हैं, सिर्फ मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। हमें भी खाना रहता है, हमें भी भूख लगती है। तो भूख लगती है तो ऑब्वियसली खाना तो बनाना पड़ेगा एंड ससुराल में तो काम तो करना ही पड़ेगा। मम्मी के घर में रहो वो अलग बात है, बट ससुराल में जब हो तब काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, किसी के घर में ज़्यादा काम है, किसी के घर में कम काम है, लेकिन काम तो सभी के घर में होता है। तो होप जिनको लगता है ऐसा, उनकी जो है राय अभी बदल जाएगी एंड अंडरस्टैंड करना है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज आपकी चॉइस है। मतलब हम आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। सो
आज बातों बातों में मतलब मेरे शादी के पहले के जो दिन थे उन दिनों की कुछ बात करना चाहूँगी। जब मैं फर्स्ट टाइम शादी करके आई थी मेरे ससुराल, तब मुझ में उतनी नॉलेज नहीं थी जितनी कि अब है। मतलब तब मुझे ये भी नहीं समझ थी कि कब किससे क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, किस टोन में बात करनी है। बट एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से आती है एंड मेरी हॉबी है, अगर कोई गुस्से में भी बात करता है तो मुझे हंसी आती है, तो वो एक प्लस पॉइंट है मेरी लाइफ का, ऐसा बोल सकते हो। एंड मुझे मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि हाँ, ये एक प्लस पॉइंट है कि जब कोई गुस्सा करता है तब मैं हंस पड़ती हूँ। एंड पर्सनली मुझे भी ऐसा फील होता है कि हाँ, ये एक अच्छी बात है मेरी, मतलब मेरे बिहेवियर में ये एक अच्छी बात है जो बिना कुछ सीखे ये मुझे आता है। तो इसकी वजह से सब शायद हाँ, इसी की वजह से सब मुझसे अट्रैक्ट होते हैं एंड गुस्सा नहीं रहते ज़्यादा टाइम। मेरे घर में तो कोई ये ज़्यादा टाइम गुस्सा नहीं रहता है। एंड मुझे ना पहले ये समझ भी नहीं आती थी कि कब किससे कैसे बात करूँ, कैसे क्या बोलूँ, किसको बुरा लग जाए, किसको मतलब कोई क्या सोचेगा मेरे बारे में, ऐसा सोचती थी मैं। एंड ऐसा सोचना भी चाहिए क्योंकि हम नहीं बता सकते कि किसके दिमाग में कब क्या चल रहा है एंड वो हमारी बात को कैसे लेगा। तो मेरे साथ फर्स्ट ऐसा होता था, मैं मतलब अच्छे के लिए बोलती थी बट वो ऑपोजिट हो जाता था। अभी भी होता है किसी किसी के साथ, मतलब मुझे जो अच्छा लगता है वो दूसरों को शायद अच्छा ना लगे, तो इसीलिए सोच समझ के बोलना ही ठीक है। किसी के सामने कुछ भी मुंह खोल के बात नहीं कर सकते, शादी के बाद तो नहीं कर सकते क्योंकि शादी के बाद हर एक बात नोटिस की जाती है कि हम कैसे बात करते हैं, किससे बात करते हैं एंड किस टोन में बात करते हैं, वो सब कुछ नोटिस किया जाता है। जबकि शादी से पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। हम कैसे भी बात करें, मम्मी कभी हमें टोकती नहीं थी, कभी ऐसा बोलती नहीं थी कि ऐसे क्यों बात कर रही है, बट शादी के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है एंड इसीलिए हमें खुद को भी चेंज करना पड़ता है। तो देखो, बातों बातों में मेरा बहुत काम भी हो चुका है। अभी जो है पूजा वगैरह दे के आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। आज थोड़ा सा क्लीनिंग भी करना है, बहुत दिनों से हाथ नहीं लगाया एंड इतने दिन से मम्मी के यहाँ थी तो पूरा मतलब साफ़ करना पड़ेगा। तो खाना बनाने के बाद जो है पूरा क्लीनिंग करूँगी। एंड आज खाने में कुछ खास नहीं, बंगाली का बेगुन भाजा जिसे बोलते हैं वो बनाया था एंड ये जो है पोशाक की सब्जी एंड करेला बॉईल किया है राइस के अंदर, तो यही है आज खाने में। सो बहुत दिनों बाद आज किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ। मतलब आजू बाजू का तो सफाई हमेशा ही करती रहती हूँ बट ये जो बर्तन रखने का रैक है वो बहुत दिनों से साफ़ नहीं करना हुआ। एक्चुअली क्या है ना, इतने दिनों से गर्मी की वजह से काम करने का मन ही नहीं करता था। सुबह उठ के घर का काम करो, खाना बनाओ, खाने के बाद बस सो जाओ एंड शाम को फिर से वही काम। तो उसकी वजह से जो है टाइम ही नहीं मिलता था एंड टाइम मिलता था तो मूड नहीं होती थी, मन नहीं करता था गर्मी में। तो आज जो है मस्त ठंडा ठंडा एकदम मौसम है एंड बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है हमारे यहाँ पे, तो अच्छा फील हो रहा है। इसकी वजह से काम करने में भी रुचि आ रही है एंड अच्छा भी लगता है। वो है ना, मूड अच्छा रहे तो काम करने में भी अच्छा लगता है। तो मौसम अच्छा रहा तो मूड भी अच्छा होगा एंड मूड अच्छा है तो काम भी अच्छा होगा। तो ऐसा ही अगर वेदर रहा तो होप सभी को काम करने में भी अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
सो पूरा काम कंप्लीट हो चुका है एंड देखो कितना अच्छा लग रहा है ना सजा के रखने के बाद। सो ये ब्लॉग बहुत ही बड़ा हो रहा है तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। होप आपको ये पूरा ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा एंड अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड जो भी नए हैं मेरे चैनल पे वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलो मिलते हैं नए कोई अच्छे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट शिवरात्रि।